नमस्ते, स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक पेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रातःकालीन प्रतिदिन के योग व स्वास्थ्य के इस लाइव सत्र में आप सबका अभिनंदन करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। प्रार्थना के साथ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सबके जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज के हमारे शीर्षक जो कार्यक्रम का शीर्षक है वो है यौगिक दिनचर्या अपनाएं और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं, अपने रूटीन को चेंज करें, अपने लाइफ में मॉडिफिकेशन करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाएं। आप सबको निवेदन कर दूं, जो अभी आप लोगों ने और कई सारे लोगों ने लगवाया होगा, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं, वैक्सीनेशन करवाया होगा, दोनों डोज लगवा दिए होंगे, कईयों ने, किसी ने एक लगाया होगा, तो ये विचार करके लगाया कि हमारे अंदर इम्यूनिटी बढ़ गई, डेवलप हो गई। तो आप सबको निवेदन कर दूं कि थोड़े दिन के लिए बढ़ी है वो। आप चाहते हैं जीवन भर के लिए बढ़ जाए, जीवन भर के लिए बढ़ी हुई रहे, तो उस सब के लिए आपको कुछ दिनचर्या को अपनाना पड़ेगा। योग की दिनचर्या आयुर्वेद के ग्रंथों में वर्णित है। आयुर्वेद का स्वस्थ वृत्त नाम का एक प्रकरण है, वो हमें अपने पूरी दिनचर्या को बता रहा है और उस दिनचर्या का आप पालन करके पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। पूरी तरह से शरीर में जितने रोग हैं वो भी भाग सकते हैं, पूरे शरीर को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो दिनचर्या आपको पता लग जाए कि वो क्या है। प्रातः काल उठने से लेकर रात्रि काल सोने तक कौन कौन से ऐसे कर्म हैं, वो हमें करने से हमारे शरीर के सभी अंग मजबूत बने रहेंगे, ये आपको पता लग जाए। और ये पता लगने के बाद आप करना शुरू कर देंगे। जब करने लग जाएंगे, दिनचर्या का पालन करने लगेंगे, निश्चित रूप से हम सब मजबूत बन जाएंगे, अपनी इम्यूनिटी को परमानेंट डेवलप कर सकते हैं, परमानेंटली अच्छा एक स्टेबल रहेगी इम्यूनिटी, ऐसे डाउन नहीं होगी। फिर आप इस शरीर से खूब काम लीजिए, अच्छा हार्ड वर्क लीजिए, आपका शरीर खराब नहीं होने वाला, ऐसे खराब नहीं होगा, सदुपयोग कीजिए, खराब नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि प्रातः काल उठने से लेकर के रात्रि काल सोने तक हमें कैसे कर्म करने चाहिए, क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो सबसे पहला, जब हम उठ जाएं, उठने के बाद आप अपने मुख प्रक्षालन करें, यानी कि मुंह को धोएं, मुंह में पानी डाल करके और पूरा ऐसे भर करके और आंखों पर अपने ठंडे पानी के छींटे देवें। ठंडे का मतलब गर्म पानी के नहीं, नॉर्मल वाटर के छींटे लगाने चाहिए, जिससे कि आंखों की शुद्धि ठीक ढंग से हो जाए। फिर बाकी के चेहरे पर भी पानी की वजह से शुद्धि हो जाती है, तो पूरे अच्छे ढंग से पूरे चेहरे को रगड़ लेवे, पानी को डाल करके पूरे चेहरे को रगड़ के, और अच्छे ढंग से जब ये मुख की शुद्धि हो जाती है तो फिर अपने दंत धावन, जिसको आप ब्रश करना कहते हैं, दातुन कहते हैं, वो कर सकते हैं, वो करना चाहिए। दातुन के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है मंजन को करना, किसी अच्छी आयुर्वेदिक मंजन को करना चाहिए। पतंजलि में बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मंजन मिला करती है, आप चाहे तो वो, नहीं तो अपने घर पर आप बना सकते हैं। आप घर पर सुहागे को, फिटकरी को और नमक को, इन तीन सफेद चीजों को मिला करके अपने घर पर बहुत बढ़िया मंजन तैयार कर सकते हैं। सुहागा, नमक और फिटकरी, इन तीनों को फाइन पाउडर के फॉर्म में, अच्छी ढंग से पीसे हुए फॉर्म में आप इसको मिक्स करके रखें एक डिब्बे में, ये खराब नहीं होती है, इसको आप मंजन की तरह से यूज करें। नहीं तो पतंजलि में एक बहुत अच्छी आयुर्वेदिक मंजन मिलती है, एडवांस मिलती है और नॉर्मल मिलती है, दोनों में से कोई भी लेकर के आप उसको मंजन की तरह से उसको करेंगे, आपके दांत अच्छे रहेंगे, आपके मसूड़े अच्छे रहेंगे, आपके लार ग्रंथि अच्छी बनेगी, लार अच्छी बनेगी इस लार ग्रंथियों में से। पहला, आप दंत धावन का काम करें। जब आपकी मुख की शुद्धि अच्छे ढंग से हो जाए तो फिर आपको टंग क्लीनिंग करनी है, अपने जिह्वा का शोधन करना है। टंग क्लीनर बाजार में मिल जाते हैं आसानी से, उन टंग क्लीनर अगर पीतल का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं मिले तो फिर स्टील का लाएं, पीतल का, तांबे का मिलता है तो बहुत बढ़िया।
तो टंग क्लीनिंग करें, अपनी जिह्वा का शोधन करें, अपनी जीभ की सफाई करें तो हमारा पेट अच्छा रहेगा। अपनी जीभ की सफाई नहीं करेंगे तो हमारा पेट अच्छा नहीं रहेगा। आप सोचिए, जीभ का सीधा संबंध हमारे पेट से है, तो इसीलिए जीभ की सफाई करें। मुंह में से बदबू नहीं आएगी, फिर भी किसी व्यक्ति के मुख से बदबू आती है तो कुछ उपयोग कर ले। में जिनके मुंह से दुर्गंध आती है वे लोग हरे धनिया को चबा सकते हैं। हरा धनिया धोले में 5-7 पत्ते लेकर के चबाएं, मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी। मुंह से दुर्गंध आने वालों के लिए दूसरा उपाय, गुनगुने पानी में दूध नींबू को निचोड़ लेवे। गुनगुने पानी में नींबू को निचोड़ लेंगे और उस पानी से आप कुल्ला करें, भर करके पानी बाहर फेंक देवे। कुल्ला करें 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार ऐसे करें, 2-3 मिनट लगेंगे। सारे दिन आपके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी। शाम को फिर लगता है तो फिर एक बार कर लेवे। तो ये मुख मुख की दुर्गंध को दूर करने के लिए बहुत मुंह सड़ता रहता है कई सारे लोगों का। पास में बैठते हैं और ऐसा लगता है कि इनके पास बैठने से हमारे को मुंह से दुर्गंध आ रही है इनके। तो आपको अपने मुख से दुर्गंध भी नहीं आनी चाहिए। मुख महक के वो तो ठीक है, लेकिन मुख से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। अच्छी चीज से, सुगंध से महके तो सौंफ खा सकते हैं। तीसरा उपाय है, अपने मुख में सौंफ को रखें, लेकिन ये भी लंबे समय काम नहीं कर पाएगा। आपको नींबू वाला प्रयोग बहुत अच्छा काम करेगा। तो नींबू का प्रयोग गुनगुने पानी में करके उसके कुल्ले करेंगे तो मुख से दुर्गंध चली जाएगी। सुबह सुबह आयुर्वेदिक मंजन से जब हम दांत साफ करते हैं या फिर दांतों से करते हैं तो भी मुख की दुर्गंध चली जाती है। ये जो टूथपेस्ट जब से आई है ना, तब से ये टूथपेस्ट के कारण से दांत और मसूड़े और मुंह की शुद्धि नहीं हो पाती, तो फिर मुंह से दुर्गंध भी आती है। जिनके पेट में समस्या चल रही है उनके भी मुख से दुर्गंध आती है। तो जीवा दंत धावन और जीवा शोधन, ब्रश कर लिया आपने या फिर उंगली से कर लिया या दांतों कर लिया या मंजन कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको जीभ को साफ करना चाहिए। ये हमने दूसरा कर्म बताया। तो पहला मुख प्रक्षालन, दूसरा मुख शुद्धि अंदर से अच्छे ढंग से आप ब्रश करके, और अच्छे ढंग से ब्रश को भी आप ऐसे चलाएं ऊपर नीचे, यूं नहीं चलाना। और फिर दांत के अंदर के हिस्सों को भी यूं साफ करें, दांत के अंदर के हिस्सों को, दाढ़ों को भी साफ करें। दाढ़ को भी साफ नहीं करते, यूं करते हैं अगर करते हैं तो। यूं नहीं करना, अंदर ले जाकर के ब्रश को यूं यूं चलाना चाहिए, यूं यूं चलाना चाहिए। यौगिक दिनचर्या का पालन करेंगे तो ही शरीर का एक एक अंग ठीक रहेगा। फिर आसन, फिर प्राणायाम करने से और अच्छा मजबूत हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। और फिर उसके बाद जब मुख की शुद्धि हो गई तो आपको उष्णपान करना चाहिए। उष्णपान के बारे में 2 मत चलते हैं। कोई तो लोग बोलते हैं कि सुबह सुबह बिना ब्रश किए ही आपको सुबह सुबह पानी पी लेना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रश करने के बाद लेना चाहिए। तो मैं इस बात को ज्यादा उत्तम समझता हूँ कि मुख में बहुत सारे कीटाणु भी होते हैं, कुछ ऐसे तत्व तो होते हैं लार ग्रंथि में अंदर उतर जाते, पेट के लिए अच्छे होते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कई बार कुछ कीटाणु भी होते हैं वो पानी के साथ अंदर उतर जाते हैं, क्योंकि आजकल की दिनचर्या कुछ ऐसी प्रकार की चल रही है। तो इसीलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने मुख की शुद्धि, दंत दावन और जिह्वा शोधन करने के बाद पानी को पीना चाहिए। और जिनको कब्ज है उनका परमानेंट सॉल्यूशन तो यही है कि एक तो भोजन को चबा चबा कर करें, खूब अच्छे सुकून से समय देकर के करें, धैर्य पूर्वक भोजन को करें, अशांत होकर भोजन को ना करें, तब जाकर के आपका कब्ज दूर होगा। भोजन में जिसको हम द्रव्य पदार्थ होते हैं वो लेवें, सूखे पदार्थ नहीं लेने कि केवल सूखी सूखी सब्जी ले रहे हैं या केवल रोटी इस प्रकार की चीजें ले रहे हैं, लेकिन साथ में सलाद लेवें 15-20 मिनट पहले ले लेवें भोजन के, या भोजन के 15-20 मिनट बाद में लेंगे। तो इस प्रकार से अगर भोजन लेंगे तो फिर आपको कब्ज नहीं होगा, और जब कब्ज नहीं होगा तो पेट ठीक रहेगा तो मुख से दुर्गंध नहीं आएगी। फिर उष्णपान, जिनको कब्ज है उनको सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म कितना? बहुत गर्म पीना चाहिए। जिनको जोड़ों में दर्द है उनको भी, उनके भी दर्दों में आराम आएगा। तो गर्म पानी पीना है जिनको कब्ज की समस्या है। और टहलना है सुबह सुबह, आप गर्म पानी आधा कप, 1 कप, 1 गिलास, 2 गिलास, आधा गिलास, 2.5 गिलास, जितना आपकी क्षमता है उतना पिए, जबरदस्ती ना करें। आपकी 1.25 गिलास की क्षमता है तो 1.25 गिलास या 1 गिलास पानी पी लेंगे।
और फिर टहलें, चलें थोड़ा 10-15 मिनट चल लें, आपका प्राकृतिक रूप से पेट साफ होने लगेगा, आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। लेकिन समय तो देना पड़ेगा, मेहनत तो ये इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी आप सोचो कोई गोली खा करके हो जाए तो वो तो सारे कृत्रिम उपाय है, वो परमानेंट क्योर नहीं है। तो परमानेंट क्योर मैं बता रहा हूँ, चबा चबा के खाएं, भोजन के आसपास में सलाद जरूर लेंगे, भोजन के पहले अथवा भोजन के बाद सलाद जरूर लेंगे, खीरे का, ककड़ी का, टमाटर का, अभी मूलियां आ रही है मूली का अथवा गाजर का, या कुछ फलों को काट करके जरूर लेंगे। तो थोड़ा सा जिसको हम लिक्विड कहते हैं, फाइबर कहते हैं, वो जाएगा, फाइबर के कारण से हमारे को कब्ज नहीं होगा, या है तो वो टूट जाएगा कब्ज। फाइबर तो फाइबर को अवश्य ले लें। पहला उषह पान, और जिनको कब्ज नहीं है वे लोग गुनगुना जल ले सकते हैं सुबह, या फिर नॉर्मल वाटर ले सकते हैं। और कैसे लेना है, कैसे लेना है, ऐसे बैठ करके पानी पीना चाहिए, ऐसे बैठ जाए। उकड़ू आसन, इसको कागासन कहते हैं, गाय का दूध निकालने वाला या टॉयलेट वाला आसन यही है। इस कागासन में बैठ करके पानी का ग्लास लेवे और उसको जूठा करके एक एक घूंट करके पिए, एक एक घूंट करके पिए। जल्दी जल्दी नहीं पीना, आपको धीरे धीरे पीना है उसका, पानी को अच्छे ढंग से एक एक घूंट को निगलना, अच्छे अच्छे ढंग से निगलना, पूरे मुंह में चलाना भी है, और ऐसे 1-2 मिनट आपको उषा पान करने में लग जाएंगे। जिनको कब्ज नहीं है वे लोग नॉर्मल वाटर को पिए, और नॉर्मल वाटर को पियेंगे, वैसे भी गुनगुना पी सकते हैं, उससे सुबह शरीर का, पेट का इकोसिस्टम अच्छा रहता है। पेट का भी तो एक इकोसिस्टम होता है, पेट का भी तो एक वायुमंडल होता है, पेट का भी तो एक पर्यावरण होता है, शरीर के भीतर का भी तो एक पूरा एक आभा मंडल, एक पूरा अंदर सिस्टम एक काम करता है। यत पिंडे तत ब्रह्मांड, या यथा पिंडे तत तथा ब्रह्मांड, जैसे संसार में घटित हो रहा है ऐसे हमारे शरीर में भी घटित हो रहा है, ये ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वैसे ही हमारे शरीर में घटित हो रहा है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर की गतिविधियां ठीक ढंग से काम करें, उसके लिए सुबह सुबह आपको उषा पान करना चाहिए। उषा का मतलब है उषा काल में, पान का मतलब है पीना चाहिए, तो क्या पीना चाहिए, तो पानी पीना चाहिए। सबसे जो खराब काम हम लोग करते हैं, सभी लोग, हम तो नहीं करते, आप करते हैं, खूब सारे लोग जो मुझे दर्शकों के रूप में देख रहे हैं, तो उन सबको मैं निवेदन कर दूं हाथ जोड़कर, अगर आप अपने पेट को अच्छा रखेंगे, रखना चाहते हैं, तो फिर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको चाय छोड़ देनी चाहिए। चाय जो आपको पत्ती के रूप में मिलती है, आजकल ग्रीन टी भी पत्ती के रूप में आती है, वो सारी चायों को छोड़ना पड़ेगा। उसमें पेट को खराब करने वाले सारे तत्व मौजूद होते हैं, उसमें एसिडिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो, और दूध के साथ और मिला करके ले लेते हैं, और शक्कर के साथ और मिला के लेते हैं, तो वो और खतरनाक हो जाते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, चाय हमारी बहुत सारी क्षमताओं को कम करती है, चाय हमारी याददाश्त को भी कम कर देती है, चाय हमारे पेट को खराब कर देती है, चाय हमें कब्ज पैदा करती है। कुछ लोगों को लगता है मैं गर्म गर्म चाय पीता हूँ या पीती हूँ तो फिर मेरे को प्रेशर बनता है और मेरा पेट क्लियर हो जाता है, तो चाय तो मेरे पेट के लिए अच्छी है। नहीं है, चाय आपके पेट के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। चाय से कार्टिसोल बढ़ जाता है, चाय से कमर दर्द हो जाता है, चाय से खून ठंडा पड़ने लगता है, चाय से ब्लड में ऐसी ऐसी चीजें घुलने लगती है जो एसिड के रूप में, अलग अलग तत्वों के रूप में घुलती हैं, जो कि हमारे को बीमार बनाती हैं। चाय से ब्लड इम्प्योर होता है, चाय से हीमोग्लोबिन घटता है, चाय से एसिडिटी बढ़ जाती है, चाय हमारे शरीर में अजीर्ण, अम्लपित्त और अल्सर आदि पैदा करने का भी कारण बन सकता है, बन जाता है। चाय को कभी ना लेवे, ऐसा मत सोचिए जो 80 साल से 100 साल से पी रहा है उसको तो कुछ नहीं हुआ, हमारे को क्या होगा, ऐसा नहीं होता, सबके शरीर की स्थिति अलग अलग होती है, इसीलिए चाय को ना पिए। चाय को पी करके हम अपनी आंतों को कृत्रिम आर्टिफिशियली उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारे का पेट साफ होने लगता है, तो हमें लगता है कि चाय तो सुबह चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम क्लियर नहीं हो पाएगा पेट, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप गर्म पानी पिए, गुनगुना पानी पिए, फिर भी आपको कुछ लगता है तो फिर क्या पिए, तो वो बता रहा हूं। जिनको पेट की ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा समस्या है, सुबह उठ करके थोड़ी सी मात्रा में लस्सी पिए, दूध की पानी डाल करके, जितना पानी उतना दूध ले सकते हैं। पेट की ज्यादा समस्या, जिसको अल्सर है, उन लोगों के लिए कह रहा हूं, जिनको आंतों के छाले हैं,
आंतों में जख्म है उसको कहते हैं अल्सर या एसिडिक अल्सर। इस प्रकार के रोग जिनको है उनको दूध की लस्सी पीनी चाहिए, उनको दही की भी लस्सी पीनी चाहिए। अब सुबह सुबह क्या पिए, तो दिव्य पेय पतंजलि में मिल जाता है, उसमें 33-34 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, उनको पिएंगे तो आपका जुकाम भी ठीक होगा, आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी, दिमाग से तनाव भी घटेगा, पेट भी अच्छा रहेगा, लंग्स भी मजबूत रहेंगे, गला भी साफ हो जाएगा, अच्छा साफ क्लियर रहेगा आवाज आपकी। तो वो है दिव्य पेय, वो दिव्य पेय पतंजलि के चिकित्सालय में मिल जाता है। तो दिव्य पेय का सेवन करेंगे, दूध में मिलाकर के करें, वो बहुत अच्छी होती है, तो दिव्य पेय का सेवन अवश्य करें। जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी करें, साथ में अर्जुन क्वाथ और मिला लें, अर्जुन की चाय, अर्जुन का क्वाथ वो भी पतंजलि में मिल जाता है, उसको भी मिला लें। एक सुबह सुबह उषा पान के बारे में मैंने आपको बताया कि उषा पान करने से कितने लाभ हैं, पेट की लगभग सारी समस्याएं समाप्त तो हो जाती है सुबह सुबह उठ करके पानी पी करके टहलने से। सुबह सुबह उठ करके जब पानी पीते हैं टहलते हैं तो हमारा पेट ठीक ढंग से साफ हो जाता है। सूक्ष्म व्यायाम करते रहे, जो लोग योग करते हैं हमारे साथ रोज, उनको लग रहा होगा कि योग की कोई क्रिया नहीं करवा रहे, तो सूक्ष्म व्यायाम करें, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम और भुजाओं के, हाथों के, और जो सूक्ष्म व्यायाम कर चुके वो आसन या प्राणायाम करते करते हमारे बातों को सुनते रहे, भस्त्रिका करते रहे। और आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उष्ण पान करने के बाद क्या करें, पहले पहले जागरण हो गया, उसके बाद हम सबने मुख प्रक्षालन, मुख शुद्धि, जिह्वा शोधन, और उसके बाद हमने जो जाना वो जाना उष्ण पान। उष्ण पान यानी सुबह सुबह उठ करके पानी पीने का काम जरूर करें, बैठ कर पिए, उकड़ू बैठ कर पिए, धीरे धीरे बैठ के पिए और घूंट घूंट करके पिए। जो लोग अभी नए दर्शक जुड़ते जा रहे हैं उन सबको मैं निवेदन कर दूं, यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी और बहुत ही आवश्यकता होती है हमको इन सब बातों को जानने की। कई बार हमें दिनचर्या के कामों को ठीक ढंग से करना ही नहीं आता, हमें पता ही नहीं होता कि हमें सुबह उठ करके क्या क्या काम करना चाहिए, तो हम कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी, तो इसलिए वो नहीं करना। यह आदर्श और यौगिक दिनचर्या को करेंगे तो आपके शरीर में शक्ति बनी रहेगी, फिर आप अपने कामों में लगेंगे तो पूरी एफिशिएंसी, पूरी कैपेसिटी और पूरे एनर्जी के साथ लगेंगे, तो उसका इनपुट आउटपुट सब कुछ बहुत अच्छा आएगा। तो इसीलिए आपको उष्ण पान सुबह अवश्य करना चाहिए। फिर आपको अभ्यंग करने चाहिए भिन्न भिन्न स्थानों के। अभ्यंग कैसे करने चाहिए, अभ्यंग कैसे करते हैं, अभ्यंग के लिए अपने नाक में तेल लगाएं, इसको कहते हैं नासाभ्यंग, इसको कहते हैं नस्य कर्म, इसको कहते हैं प्रतिलोम प्रति मर्श या प्रतिमर्श कहते हैं, अलग अलग नामों से कहा जाता है। तो नस्य कर्म हमें करना चाहिए। सरसों का तेल लगा सकते हैं जिनके ज्यादा जुकाम रहता है, बाकी लोग तिल का तेल लगा सकते हैं, तो तिल का तेल लगा करके थोड़ा सा इस उंगली में डुबो करके और इस उंगली को पूरे को ऊपर या छोटी वाली उंगली को पूरे को ऊपर ले लेना चाहिए, नाखून काट लेना चाहिए और फिर इसको एक को नाक को बंद करके ऐसे खींच लेना चाहिए, फिर दूसरे को बंद करके दूसरे से भी खींच लेना चाहिए, दोनों नासिका में तेल लगा के खींच ले में, इसको कहते हैं नस्य कर्म। ये रोज करना चाहिए, आपको जुकाम नहीं होगा, आपको जुकाम से सुरक्षा हो जाएगी और किसी प्रकार का वायरस नाक में नहीं जाएगा, नाक में जाएगा तो नाक में चिपक जाएगा, अंदर नहीं उतरेगा आपके फेफड़ों में, ये बहुत जबरदस्त चीज है, आपके नाक को बंद नहीं होने देती, आपके नाक को बंद नहीं, बंद होने के अलावा जुकाम नहीं होने देती, अब बहता हुआ जुकाम नहीं होगा, नाक ब्लॉक करने वाला जुकाम नहीं होगा, कफ जमने वाला जुकाम नहीं होगा, और उसके अलावा अगर हो जाए तो जलनेति सूत्रनेति का अभ्यास करके उसको ठीक कर सकते हैं। प्राणायाम नियमित रूप से करें और नस्य कर्म भी नियमित रूप से करें। तो पहला पहला तेल लगाने का काम किया हमने नाक में, दूसरा तेल लगाने का काम कर रहे हैं हम कान में, जिसको हम कर्ण पूरण कहते हैं। कर्ण पूरण का मतलब कान में 2 से 5 बूंदे तेल की टपका दी जाए, सरसों के तेल की अथवा जिसको हम तिल का तेल कहते हैं वो, या फिर बादाम का तेल हम टपका सकते हैं अपने कान में। कान
कान में भी ल्यूब्रिकेशन रहना चाहिए, नाक में भी रहना चाहिए, सभी अलग अलग छिद्रों में ल्यूब्रिकेशन होगा तो हमारा शरीर ठीक ढंग से काम करेगा, शरीर मशीन की तरह से है। टिका कर हाथ कानों पर, करूँ कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे सुबह उठने के बाद कौन से कर्म करते हैं। अपने समस्त कर्मों से ही हमारा जीवन, हमारा ये शरीर अच्छा चलता है। अब चलते हैं हम उषय पान के बाद में, अभ्यंग के दूसरे चरण में हमने चला। पहला पहला हमने नस्य कर्म देखा, दूसरे कर्म को कर्ण पूरण के रूप में देखा। अब चलते हैं शिरोभ्यंग। सुबह उठ करके अपने बालों की तेल से मालिश अवश्य करें, अपने बालों की मालिश करें, अपने बालों में तेल लगाएं। यह काम आप रात्रि को सोने से ठीक पहले भी कर सकते हैं और यही काम आप सुबह भी कर सकते हैं। तो अपने बालों में अच्छे ढंग से तेल लगाएं। कौन सा लगाएं? तो राजस्थान की दृष्टि से सरसों का तेल बहुत अच्छा है। यदि आपके बालों में कोई समस्या चल रही है तो भृंगराज का तेल लगाएं, भृंगराज का, या महाभृंगराज का तेल लगाएं। महाभृंगराज का तेल लगाने से बालों की सारी समस्या दूर हो जाती है और जब बाल थोड़े ठीक ठाक से हो जाएं तो फिर उसमें सरसों का या नारियल का तेल लगाया जा सकता है। शुद्ध घाणी का मिल जाए अगर सरसों का तेल तो वह लगाएं, नहीं तो नारियल का तेल लगाएं। अच्छे ढंग से शुद्ध तेल आप उपलब्ध करवाएं, करें, उसके बाद उसका प्रयोग किसी भी अंग पर करना चाहिए, नहीं तो खराब तेल से भी हमारे बाल चले जाते हैं, हमारे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। तो हमने शिरोभ्यंग को भी सीख लिया, तो नासाभ्यंग, कर्णपूरण, शिरोभ्यंग, उसके बाद पादाभ्यंग। जिनको नींद नहीं आती है वह व्यक्ति सुबह भी उठ करके अपने पैर के तलवों को ऐसे मालिश करे तेल से, और दोनों तलवों की ऐसे, और रात को सोने से ठीक पहले भी अपने तेल के, अपने तलवों की मालिश करें, तेल से तलवों की मालिश करें। इस तरह से रोज रात को अगर आप अपने पैर के तलवों की अच्छे ढंग से यूं मसाज करेंगे तेल लगा करके, तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। नींद जिनको नहीं आ रही उन सब के लिए बहुत बढ़िया सा एक सरल सा उपाय मैंने बता दिया कि नींद आना शुरू हो जाएगी और बहुत गहरी आएगी और बड़ी मजेदार नींद आएगी। इस बात को सदा हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये केवल नींद वालों के लिए नहीं, वैसे भी हम सबको रोज ही करना चाहिए, चाहे वो स्वस्थ व्यक्ति हो जिसको नींद अच्छी आ रही हो, उसको भी इस तरह से पैर के तलवों की रात को तेल से मालिश करनी चाहिए। इससे बहुत सारे जो नाड़ियों के रोग है ना वो दूर रहते हैं हमसे, नर्वस सिस्टम हमारा अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब हमने पादाभ्यंग भी देख लिया, तो नस्य कर्म या नासाभ्यंग जिसको कर्ण पूरण कहते हैं, और फिर इसके बाद हमने शिरोभ्यंग, और चौथा जिसको हम पादाभ्यंग कहते हैं। ये हमने चार कर्म जान लिए। अब पांचवा कर्म है नाभि में तेल लगाना। वो नाभि में तेल लगाने के लिए भी इसकी सबकी अलग अलग व्यवस्था है। नाभि में तेल लगावे तो कौन सा लगावे? जिनको होंठ फटने की समस्या है, होंठ फटने की, उन लोगों को नाभि में सरसों के तेल की 5 से 7 बूंदें टपकानी चाहिए रात को सोने से ठीक 5-10 मिनट पहले, और सुबह उठने के बाद भी। अभी अभ्यंग का समय चल रहा है जिसमें हम अभ्यंग को पांचवें चरण को समझा रहे हैं। पहला नाक, फिर कान, फिर सिर और फिर पैर के तलवे, और अब हम जान रहे हैं नाभि में तेल लगाने की बात। तो नाभि में तेल लगाएं, सरसों का लगाएं तो होंठ नहीं फटेंगे, अगर नारियल का लगाएंगे तो चेहरे पर ओज तेज, चेहरे पर आभा मंडल, चेहरे का जो ओजस्विता है वो बढ़ी हुई रहेगी, तेजस्विता बढ़ी हुई रहेगी, चेहरे का जो स्वरूप है वो बहुत अच्छा बना रहेगा, जिसको अपन क्या कहते हैं, चेहरे पर कांति बनी हुई रहती है, चेहरे पर लावण्य ओज तेज बना रहता है। तो अपने नाभि में प्रतिदिन आपको नारियल का तेल टपकाना चाहिए 5 से 7 बूंद रात को सोने से पहले, 5 से 7 बूंद सुबह जागने के बाद, तो नारियल का तेल। तो उसके अलावा मतलब कलर साफ रहता है, अपना चेहरा अच्छा चमकता हुआ रहता है। उसके अलावा जब किस व्यक्ति को बालों की समस्या है, किसी के बाल अगर कम उम्र में सफेद हो रहे हैं, ज्यादा समस्या आ रही है,
तो फिर हम अपने बालों को ठीक रखने के लिए अपने नाभि में देशी घी, जो देशी गाय का घी होता है, वो देशी गाय के घी को हम अपने नाभि में टपकाएं, गुनगुना करके टपकाएं, तो हमारे बाल लोगों की समस्या जो है ना वो दूर हो जाएगी। हमारे बालों की समस्या दूर हो जानी चाहिए, हमारी नाभि में घी, देशी घी डालें, गाय का घी डालें, देशी गाय का घी डालें, तो निश्चित रूप से हमारे बालों की समस्या दूर हो जाएगी। तीन प्रकार के तेल अलग अलग कौन कौन से नाभि में डालने चाहिए, अलग अलग समस्याओं वालों को मैंने सबको आज के इस कार्यक्रम में बताया। अब ये हो गया नाभि में तेल लगा, और छठा कर्म जो है तेल लगाने का, वो है पूरे शरीर में तेल लगाना चाहिए। पूरे शरीर में तेल लगाने की ऋतु हमारी आज से शुरू हो चुकी। आज से हमें दिनचर्या का, आहार चर्या का, ऋतुचर्या का और रात्रिचर्या का पालन करना चाहिए। तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार चर्या और रात्रिचर्या, इन सब का ठीक ढंग से पालन करेंगे तो आप ठीक ढंग से अच्छे स्वस्थ बने रहेंगे, संसार के सुखों का भोग कर पाएंगे, अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, बलवान रख पाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए कि हमारी दिनचर्या के बारे में हमें पता हो, फिर हम जितना कर सके उतना करें और स्वस्थ रहें, मजे से रहें, मस्त रहें। लेकिन समस्या ये कि दिनचर्या के बारे में पता ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए, तो हम सबको दिनचर्या के बारे में पता लग जाए, उसी के लिए हम ये आज का कार्यक्रम लेकर के आए कि एक यौगिक और आदर्श दिनचर्या क्या होनी चाहिए। कुछ लोगों को लगता है मैं तो कुछ आसन कर लेता हूँ और सही हो जाता है सब। नहीं, दिनचर्या का भी, बाकी की दिनचर्या का भी पालन करें। स्वस्थ वृत्त ऋषियों ने इतनी बढ़िया सुंदर विधा दी है, उसका पालन करें। ये हुआ हमारा अभ्यंग, कान में, नाक में, पहला नाक में, दूसरा कान में, फिर सिर में, फिर पैर के तलवों में, फिर नाभि में और फिर पूरे शरीर में। पूरे शरीर में मालिश कैसे करें? हृदय की तरफ हाथ करके करें, हृदय की तरफ हाथ करके, मतलब गोल गोल घुमा करके भी करें तो हृदय की तरफ हमारा हाथ जाना चाहिए, नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। तो इस तरह से अगर करेंगे निश्चित रूप से हमारे लिए मालिश जो है वैज्ञानिक मालिश होगी वो, और वह वैज्ञानिक मालिश हम सबको आरोग्य देने वाली होगी, हम सबके ब्लड सर्कुलेशन को, यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम को अच्छा बनाने वाली होगी। ये हो गया हमारा अभ्यंग का प्रकरण। फिर हम आगे चलते हैं, शरीर में तेल की मालिश हो गई, अब कुछ आसनों को किया जाए, कुछ योगासनों को किया जाए। तो स्वस्थ व्यक्ति को कौन कौन से योगासन करने चाहिए? ताड़ासन करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, भूमि नमस्कार करना चाहिए, चंद्र नमस्कार करना चाहिए, और उसके अतिरिक्त क्या करना चाहिए? फिर सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, पश्चिम उत्तान आसन, ऐसे अलग अलग आसनों को हमें करना चाहिए। और फिर प्राणायाम की दृष्टि से भस्त्रिका, और क्रियाओं की दृष्टि से कपालभाति, अग्निसार, प्राणायाम में बाह्य प्राणायाम और उज्जायी, अनुलोम विलोम, और फिर भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, यानी कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। इतना कर लिया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इस पहले आपने जो उषैपान किया था वो 10-15 मिनट आपने चहलकदमी की, टहले, उसके बाद आपको शौच आदि से निवृत्त होने के बाद इन सब कार्यक्रमों को करना चाहिए। ये कार्यक्रम है योगासन के, प्राणायाम के और ध्यान के। इसमें भी कम से कम प्रतिदिन आपको 1 घंटा खर्च करना चाहिए, 1 घंटा लगाना चाहिए। किस व्यक्ति को व्यायाम करना है, किसको नहीं करना है, किसको कौन सा आसन करना है, किसको नहीं करना है, किसको तेज प्राणायाम करना है, किसको नहीं करना है, ये सब आयु के हिसाब से तय होता है, ये सब शरीर की विशिष्टता के हिसाब से तय होता है, कौन सी अवस्था में, कौन सी आयु में चल रहे हैं, क्या क्या रोग हैं शरीर में, ये सब इससे तय होता है। तो हमारे इस कार्यक्रम के आप बहुत सारे एपिसोड्स को देखेंगे तो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं, या फिर किसी एक योग्य प्रशिक्षक, जो कोई योग का शिक्षक हो, उसके निर्देशन में हम सबको अपने योगासनों को करना चाहिए, ये ज्यादा ठीक रहता है। नहीं तो स्वामी न्यूज़ के इस कार्यक्रम में हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देते हैं। हम पिछले कई वर्षों से इस योग के क्षेत्र में रह करके अनुभव ले चुके हैं, बहुत सारा लिया है, आगे भी बहुत सारा ले रहे हैं, और आप सबके मध्य में, इस अजमेर शहर के मध्य में पिछले कई सालों से योग की शिक्षा दे करके इस योग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आप हमारे निर्देशन में भी इस स्वामी न्यूज़ के योग व स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम को भी देख करके योगाभ्यास शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम लगातार 6 मई से प्रतिदिन लाइव चल रहा है,
उसके अलावा भी पिछले 1 साल से साप्ताहिक कार्यक्रम जो लाइव चल रहा था, अब उसको इन्होंने चैनल ने अब उसको लाइव प्रतिदिन का लाइव कर दिया है। तो आप इस कार्यक्रम के चैनल के पिछले पिछले एपिसोड्स को भी आप देखें तो आपको पता लग जाएगा, काफी सारी चीजें हमने बताई हैं। और उसके अलावा यूट्यूब का जो स्वामी न्यूज अजमेर का चैनल है, उसमें वीडियोस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो योग व स्वास्थ्य का अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। और फेसबुक पर तो प्रतिदिन चल ही रहा है, यूट्यूब पर भी प्रतिदिन चल रहा है। आपको इस तरह के आसन प्राणायाम आदि से संबंधित बहुत सारी गाइडेंस उसमें मिल जाएगी। तो ये हमने अभी जो जाना वो था योगासन, उसके बाद प्राणायाम आदि, ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा फ्री होना है, उपटन लगाना है। उपटन भी मिल जाता है बाजार से, अच्छा सा उपटन लगाएं, उपटन 15-20 मिनट थोड़ा रगड़ें और उसके बाद नहाएं। नहाना चाहिए, प्रतिदिन नहाना चाहिए, सामान्य जल से नहाना चाहिए और रगड़ रगड़ कर नहाना चाहिए, बिना साबुन के, किसी मिट्टी आदि से, मुल्तानी मिट्टी से या किसी दूसरे ऐसे प्राकृतिक चीज से नहाना चाहिए, साबुन नहीं लगाना चाहिए। साबुन लगाने से हमारी त्वचा खराब हो जाती है। लगा रहे हैं तो कोई आयुर्वेदिक या इस तरह का कोई साबुन लगाए, अगर कभी लगा भी रहे हैं तो वैसे रगड़ रगड़ के नहाना जिसको आ जाता है उसको साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो रगड़ रगड़ के नहाना सीखें। जल की तो बहुत विशेषता होती है, वो कहता है कि जल कितना लाभकारी है, जल का प्रयोग हमें आना चाहिए और जल का जो प्रयोग करता है अच्छे ढंग से कर सकता है, वह केवल जल से ही अपने स्नान को पूरा कर लेता है। तो जल से नहाए, रगड़ करके नहाए, पूरा समय देकर नहाए। नहाने में भी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। नहाने में सबसे पहले अपनी नहात रहे नहा रहे हैं आप, सबसे पहले सिर में पानी डालें, फिर धीरे धीरे क्रमशः नीचे 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 नीचे, और बीच में आपको थोड़ी देर में अपने रीढ़ की हड्डी ऐसे बैठ जाए और रीढ़ की हड्डी पर अपने पानी के मग्गे को लेकर उसकी धार बना करके अगर आप डालेंगे तो आपके ब्लड प्रेशर नामक समस्या नहीं होगी, प्रजनन संबंधी रोग नहीं होंगे, आपके जो तनाव है वो घट जाएगा, आपकी याददाश्त तेज हो जाएगी, आपके शरीर में अनावश्यक जो कामोत्तेजना है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी, जबरदस्ती के गंदे खराब विचार नहीं आएंगे और शरीर नियंत्रित रहेगा, मन थोड़ा नियंत्रित रहेगा, याददाश्त तेज होने के साथ नींद भी अच्छी आएगी। तो रीढ़ की हड्डी का स्नान जरूर कराना है। रीढ़ की हड्डी का स्नान करने से हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है और बहुत अच्छे ढंग से जल्दी से कंट्रोल हो जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो नहाने के समय आपको एक तो रीढ़ की हड्डी का स्नान कराना है, 5-7 मग्गे लेकर के कराते जाइए कराते जाइए। फिर पेट का स्नान कराना है। पेट का स्नान कराने के लिए ऐसे हाथ रखें और पेट पर, यहाँ पर, यहाँ नहीं, पेट पर पानी का मग्गा ऐसे डालें, पेट पर पानी डालें। पेट पर पानी डालेंगे तो पेट का स्नान होगा और पेट का इकोसिस्टम अच्छा होगा, पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा और पेट की गर्मी शांत होगी और आपकी जठराग्नि बढ़ेगी, पाचन शक्ति बढ़ जाएगी, मेटाबॉलिक रेट अच्छी हो जाएगी। तो पेट का स्नान करें, पेट को थोड़ा रगड़ें और पेट का फिर स्नान करें। भूख अच्छी लगेगी, जिसको भूख नहीं लग रही तो पेट का स्नान अवश्य करें। फिर पेडू भाग का स्नान करें, ये हमारी नाभि है, नाभि के नीचे का इतना सा भाग जो है पेडू भाग कहलाता है, इस पर भी पानी डालें, नलों में ताकत आएगी और पेट के नीचे पेल्विक जो एरिया है, पेल्विक रीजन, ये बहुत शक्तिशाली बन जाएगा, प्रजनन संबंधी रोग दूर हो जाएंगे, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स दूर हो जाएंगे, पेट, इससे भी पेट भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त हमारे संयम सधेगा, ब्रह्मचर्य बढ़ेगा, निश्चित रूप से ये सारे हमारे इंद्रियों को अच्छा, मजबूत और कंट्रोल रखने के लिए ये स्नान है। तो पहला हमने रीढ़ की हड्डी का स्नान, दूसरा हमने पेट का स्नान, तीसरा पेडू भाग का स्नान करना चाहिए। ये स्नान करने के बाद, रगड़ रगड़ के आने के बाद, आप अपने बालों को प्रतिदिन धोएं। बालों को आपको प्रतिदिन रगड़ रगड़ करके धोना चाहिए। अगर आपको शैम्पू लगाना तो शैम्पू की बजाय आपको एक प्राकृतिक शैम्पू बता रहा हूँ, जिसमें रीठा पिसा हुआ, जिसमें शिकाकाई पिसा हुआ और मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई, ये 3 चीजें पिसी हुई पाउडर फॉर्म में होनी चाहिए। तीनों को मिला करके एक डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। जब भी आपको नहाना हो इनमें से 1 चम्मच पाउडर निकालिए,
और उसको 1 गिलास पानी में डालिए और इसको घोल करके अच्छे ढंग से जब घुल जाएगा इसको हिला लीजिए, बहुत सारी जाग उसमें हो जाएगी। रीठा, शिकाकाई और मुल्तानी मिट्टी, ये तीनों बालों के लिए और शरीर के लिए अमृत तुल्य है। तो इसीलिए आपको कोई सा भी शैम्पू और कोई सा भी साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके बाल 2-5 दिनों में सही हो जाएंगे, 2-4 दिन मोटे मोटे से लगेंगे क्योंकि आपने शैम्पू और साबुन आदि लगाया है, तो आपको सिल्की सिल्की बाउंसी बाउंसी रखने की आदत हो गई है, तो वो 2-4-5 दिन के बाद ठीक होने लगेंगे, अच्छे हो जाएंगे बाल। तो आपको इस तरह से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालों में किसी प्रकार का कोई केमिकल ना लगाएं। सभी प्रकार के शैम्पू में, सभी प्रकार के साबुनों में केमिकल होता है, इसीलिए आपको उनसे बचना चाहिए। अपने बालों को नेचुरली स्वस्थ रखें, जड़ेंगे नहीं, मोटे रहेंगे, दो मुए नहीं होंगे, पतले नहीं होंगे और पूरे घने बने रहेंगे। तो मैं भी इन्हीं चीजों से बालों को धोता हूँ, इसीलिए मैं आपको भी यही सलाह दे रहा हूँ कि आपके बालों में शैम्पू और साबुन लगाने की बजाय इस तरह से नेचुरल चीजों से आप अपने बालों को धोएं। आप रोज कर सकते हैं इसको, मैंने रोज करवा करके कई सारे लोगों के बाल अच्छे करवा दिए। कई सारे लोगों के बाल जो झड़ रहे थे, पतले हो गए थे, काफी समस्याएं आ गई थी, वो सब ठीक हो गए इसी द्रव्य से नहा करके। तो आपको आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर इस दिनचर्या को और आगे बढ़ाएंगे, भोजन पर और छादन पर यानी कि वस्त्र पहनने पर, और क्या-क्या हमें करना चाहिए, माला का धारण, सुगंधित द्रव्यों का सेवन और भी बहुत सारी चीजें होती है, भोजन के बारे में तमाम सारी चीजें और भी हैं, उन सब के बारे में जब कल हम और प्रकाश डालेंगे। आज की हमने कार्यक्रम जो किया, आज का कार्यक्रम था एक यौगिक रूटीन, यौगिक दिनचर्या हमारी कैसी हो। दिनचर्या हमारी अगर अच्छी होगी तो हमारा जीवन, हमारा शरीर अच्छा होगा, हमारा मन अच्छा होगा, हमारी बुद्धि अच्छी होगी, हम तनाव में नहीं रहेंगे। यदि दिनचर्या अच्छी नहीं होगी तो हम तनाव में रहेंगे। ये बात सब ध्यान रखना, एक बात का सभी लोग विशेष ध्यान रखना कि व्यक्ति कार्य की अधिकता से नहीं थकता, व्यक्ति कार्य की अधिकता से तनाव में नहीं आता, व्यक्ति कार्य की अस्त व्यस्तता से तनाव में आता है, जीवन शैली की अस्त व्यस्तता से तनाव में आता है, व्यक्ति कार्य की अव्यवस्था से तनाव में आता है, व्यक्ति कार्य की अस्त व्यस्तता से तनाव में आता है, व्यक्ति कार्य की अधिकता से कभी नहीं थकता, केवल अव्यवस्था से थकता है। आप उसको व्यवस्थित करिए, हर काम को रूटीन सेट कीजिए, रात को सेट कर लीजिए कल मुझे क्या करना है, या सुबह जल्दी उठ करके सेट कर लीजिए आज सारे दिन में मुझे क्या करना है। इतना यदि रखेंगे तो आज के कार्यक्रम को हम इतना ही रखते हैं। आप सभी दर्शकों ने इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है, देखा है, आप सबसे ये आशा है कि इस कार्यक्रम के लिंक को अपने और भी जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, परिवारजनों को, सबको शेयर करें, और भी लोगों को ये बताएं कि यौगिक दिनचर्या कैसी होती है, कैसी दिनचर्या में हम रहें तो हम बीमार ही नहीं पड़ेंगे। आज की जो दिनचर्या बताई है, इस दिनचर्या का जो नियमित रूप से, ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक, सत्य निष्ठा से पालन करेगा वह व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ेगा, और जो बीमार है वो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। अपनी इस दिनचर्या का पालन करें, यह निरापद है, ऋषियों की बताई हुई है, आयुर्वेद के ग्रंथों में बताई हुई है, उसको हम यौगिक दिनचर्या का नाम देते हैं, एक आदर्श दिनचर्या का नाम देते हैं, जो कि स्वस्थ वृत्त नामक प्रकरण में बहुत विस्तार से, अच्छे ढंग से लिखी हुई है। आप सबको आज के कार्यक्रम में यही शांति पाठ हम कर रहे हैं, ओम शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और स्वामी न्यूज का भी बहुत बहुत आभार। आज के कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे योग व स्वास्थ्य के 170वें कार्यक्रम में। तब तक के लिए सबको सादर नमस्ते, करें योग, रहें निरोग, ओम शांति।